Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Savarasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is the validity of ray optics. Basically, suppose we have one source, we have one slit, right? Like this. So this slit have this much gap between them. So if my light ray is passing through this slit like this, so after this diffraction happens from here, क्योंकि ये जब light rays यहाँ से pass होगी, यहाँ से वो bent होने वाली है, मतलब कि वो spread होने वाली है like this. जैसे कि torch में जब कभी भी वो light rays incident हो रही है, travel हो रही है, जो टॉर्च का जो सरफेस है अगर उससे बाहर निकलने के बाद वो टॉर्च की लाइट स्प्रेड होने वाली है। सिमिलर यहाँ पर भी वैसा ही होगा। पहले हमने एक लेंस लिया था, उस लेंस की टोटल डायमीटर 2a थी और जो भी रेस ट्रैवल कर रहे थे उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, राइट। तो यहाँ पर जो डायमीटर है अगर उसमें मैं हाफ कर दूँ और उसकी वजह से अगर लेमडा अपॉन ए फाइंड कर लूँ तो दैट इज अवर, सॉरी हियर इट इज ए अपॉन लेमडा एंड ए अपॉन लेमडा दैट इज अवर थीटा। सो ये जो हमारा बेसिकली ये जो हमारा एंगल है वो एंगल हमारे सेंट्रल मैक्सिमा का एंगल है। मैं जो भी आके जाके जो भी इमेज मिलने वाली है उसकी जो थीटा दैट इज अवर ए अपॉन लेमडा, तो वो हमारा एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं थीटा, क्योंकि ये जो भी एंगल यहाँ से बनाने वाला है ये हमारा थीटा है, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट दैट इज आवर ए अपॉन लैम्डा। सो एंगल इज इक्वल टू, यस, फॉर्मूला इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो दिस इज आर्क, ए इज आर्क, इट इज डायमीटर ऑफ अवर इमेज एंड लैम्डा इज रेडियस, राइट, ओके। सिमिलरली वापस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो भी रेस थी वो बेंड हो रही थी, आगे जाके स्पिन होगी, बट अगर मैं इन दोनों का बहुत सारा डिस्टेंस बढ़ा दूँ, मतलब कि अभी जो गैप है ना वो इतना सारा गैप है, तो लाइट रे इजीली यहाँ से ट्रैवल हो जाएगी, कोई भी यहाँ पर डिफ्रैक्शन नहीं होने वाला, राइट। बट अगर मैं धीरे 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 एकदम नज़दीक लाऊँ और फिर ऐसा एक गैप फाइंड कर लो कि जिसमें डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, बट ज़रा सा भी वो गैप अगर डिक्रीज होगा तो डिफ्रैक्शन प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस एंड फ्रेस्नेल डिस्टेंस को मैं यहाँ पर डिराइव करने वाला हूँ ZF इज इक्वल टू, यस, इट इज ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ए मीन्स हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेंस and lambda is the wavelength of light which is passing through the lens, right? So that is our Fresnel distance. जो भी minimum distance है कि जहाँ से अगर मैं ज़रा सा भी उसको decrease करूँगा तो तुरंत डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो that minimum distance to still there is no diffraction, that distance is called Fresnel distance and formula is a square upon lambda, right? So that's our topic guys, the validity of ray optics. That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my